तो 1.3 लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर टू कर लिया है अब हम चल रहे हैं इससे आगे इससे आगे ना एक टॉपिक करेंगे हम लोग जो लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे बट टाइम कम था तो हमने स्टार्ट नहीं किया ये टॉपिक है ओके इसकी हेडिंग बनाओ ये एक न्यू टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू पी वाई क्यू फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बनाओ क्वेश्चन इस करेंगे तो देखो शुरू करते हैं पहले ये टॉपिक है क्या मैं वो समझा देता हूँ देखो तुम्हें पता है ना रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं अगर रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाए तो रैशनल रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो ही टाइप के होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे तो जो Sir, टर्मिनेटिंग तो देखो जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे ओके तो टर्मिनेटिंग नंबर्स किस टाइप के होते हैं जैसे जीरो पॉइंट थ्री फाइव टू ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका पी बाई क्यू फॉर्म अगर बनाना हो तो हम क्या करते हैं थ्री फिफ्टी टू

तो चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में टोटल तीन पार्ट है समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा चांसेस है समझोगे कुछ लिखोगे नहीं ओके सिर्फ देखोगे देखो जीरो पॉइंट सिक्स पे बार है इसको कैसे लिख सकते हो जीरो पॉइंट सिक्स 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 डैश 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 सिक्स यहां पर रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम्स है ना तो इसका हमें पी वाई क्यू फॉर्म चाहिए क्या करेंगे सबसे पहले हम जो नंबर है ना उसको एक्स मान लेंगे जीरो पॉइंट सिक्स 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 इसको हमने क्या कर लिया एक्स मान लिया देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी होती है कितनी इक्वेशन दो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की क्या क्वालिटी होती है फर्स्ट इक्वेशन किसको आ, बोलेंगे आ, सर अभी ना आपकी तो थोड़ी वॉइस ब्रेक बार फिर से बोल देखो जो नंबर है ना जीरो पॉइंट सिक्स पे बार हम इसको एक्स मान लेंगे ओके एक्स तो की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स 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 हो गई अब हमें दो इक्वेशन बनानी है दो इक्वेशन बनानी है ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन किसको बोलेंगे जिसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है ना जो डेसिमल पॉइंट है जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट होनी चाहिए ओके okay? पहली इक्वेशन में क्या होना चाहिए डेसिमल पॉइंट जो है वो रिपीटिंग डिजिट के जस्ट पहले होना चाहिए मतलब जिस पे भी बार लग रहा है उसके जस्ट पहले यहां पे सिक्स रिपीट हो रहा है ना तो सिक्स के जस्ट पहले डेसिमल है देख रहे हो सारे तो यहां पे सिक्स अगर रिपीट हो रहा है तो सिक्स के पहले अगर डेसिमल है इसको हम बना लेंगे इक्वेशन वन ठीक है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया अब सेकंड इक्वेशन बनानी है दूसरी इक्वेशन की क्या क्वालिटी होती है तो इसमें डेसिमल पॉइंट जो है जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट होना चाहिए ओके तो मतलब अब हमें इस डेसिमल को कहां पहुंचाना है सिक्स तो रिपीट हो रहा है ना तो सिक्स के बाद यहां पे पहुंचाना है मतलब एक डिजिट का जंप कराना है राइट साइड में ठीक है तो पहली इक्वेशन में डेसिमल कहां होना चाहिए six के पहले और दूसरी इक्वेशन में यही डेसिमल सिक्स के बाद होना चाहिए तो अब क्या करना चाहिए कोई बताओ मुझे अगर डेसिमल को राइट शिफ्ट करना है वन डिजिट जंप करके तो क्या हम इक्वेशन वन को टेन से मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई yes, इक्वेशन वन बाई टेन टेन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो इक्वेशन वन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एच एस क्या हो गया वन डिजिट e right तो सिक्स पॉइंट सिक्स 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 है ना डैश 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 इसको बना लिया हमने इक्वेशन टू दोनों इक्वेशन समझ में आए सबको यस यस सर सर क्या क्वालिटी है जैसे मान लो 0.35 पे बार है ओके तो पहले हम क्या करेंगे X को ले लेंगे 0.35 35 35 35 डैश 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 ठीक है इसको हम बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन क्यों क्योंकि यहां पे थ्री फाइव दोनों डिजिट रिपीट हो रही है तो डेसिमल पहले अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ध्यान से सुनो हमें क्या करना है इस डेसिमल को थ्री फाइव के बाद पहुंचाना है एक डिजिट नहीं दो डिजिट जंप करानी है तो यहां पे दो डिजिट्स रिपीट हो रही है थ्री फाइव तो एक बार यहां पे डेसिमल चाहिए और एक बार यहां पे डेसिमल चाहिए तो अब इस डेसिमल को हमें दो डिजिट जंप करा के यहां पहुंचाना है तो क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव इसको बना लेंगे इक्वेशन टू तो ये है प्रोसेस ओके दोनों इक्वेशन हमने बना लिया अब क्या करना है ये पहला स्टेप था हमारा दो इक्वेशन बना लिया अब जो लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि हम इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ओके तो इक्वेशन टू लिख लें पहले टेन एक्स इक्वल टू टू था इक्वेशन वन है एक्स इक्वल टू जीरो करना है करना है तो ये माइनस और ये माइनस एल एच एस एक तरफ सब्ट्रैक्ट होगा आर एच एस दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो देखो टेन एक्स में से एक्स निकल गया कितना बच गया नाइन एक्स इक्वल टू यहां देखो जरा गौर से डेसिमल के बाद देखो यहां से लेकर यहां तक कितने सिक्स है कोई बताएगा मुझे तो इनफाइनाइट टाइम सिक्स है और नीचे वाले में भी सिक्स कितनी बार है इनफाइनाइट टाइम्स है तो डेसिमल के बाद सारे सिक्स तो सेम है डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाएगा और ये क्या बचा सिक्स मतलब कहने का ये है जैसे मान लो कोई नंबर है थर्टी फाइव पॉइंट एट टू सेवन थ्री नाइन फाइव कितना बड़ा नंबर है टेन पॉइंट एट टू सेवन थ्री करोगे तो डेसिमल के बाद तो जीरो आ जाएगा क्योंकि पूरा डिजिट सेम है और यहाँ पे जो भी होगा वो आ जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा है ना तो वही यहाँ पे हुआ हमारे साथ नाइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे लीनियर इक्वेशन तो पड़े हो एट क्लास में Nine क्या होगा सिक्स के नीचे आ जाएगा हाँ अब थ्री से कैंसिल हो रहा है तो थ्री से टू और थ्री से थ्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, X और हमने X लिया था जीरो पॉइंट सिक्स को ही तो एक्स लिया था तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई टू बाई थ्री अगर रफ में टू बाई थ्री सोल्व करोगे ना तो जीरो पॉइंट सिक्स 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 आता ही रहेगा ये क्वेश्चन क्लियर है बोलो ये मैं अभी दो तीन और करूंगा ठीक है तो पहले जल्दी से लिखो इसको कॉपी करके बताओ ये राइट साइड का भी लिख लेना क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा देखो एक दो क्वेश्चन में और करूंगा अभी फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है मेरे पास हम लोग वो सब भी करेंगे सिक्स बाई थ्री ओके जो भी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला काम क्या करना है दो इक्वेशन बनाने के बारे में सोचना है देखो गिवन नंबर को हम क्या कर लेते हैं एक्स मान लेते हैं और यहां पे बार सिर्फ सेवन पे लगा है ये गौर से सुनना मेरी बात तो जीरो पॉइंट फोर सेवन 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 ये फोर सेवन फोर नहीं है फोर होता तो कैसे होता ऐसे होता ठीक है तो ये क्या है ०.४७७७७ क्या इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दे मैं yes, समझ नहीं पाया एक बार फिर से बोलो यस सर यस मतलब तुम लोगों मेरी बात समझे नहीं ठीक से इसको फर्स्ट इक्वेशन कैसे बना दे बताओ डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए सर सर डेसिमल होना चाहिए 47 के बाद नहीं इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं बना सकते ना देखो रिपीट क्या कर रहा है वो देखो सेवन रिपीट कर रहा है ना फोर तो रिपीट कर नहीं रहा यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है फोर की सेवन। सर सेवन रिपीट कर रहा है हाँ तो डेसिमल पहले इक्वेशन में कहा चाहिए होगा हमको सेवन के पहले ना यस yes, सर और दूसरे इक्वेशन में सेवन के बाद मैंने बोला ना जो रिपीट कर रहा है उसके पहले होना चाहिए यहां पे फोर रिपीट नहीं कर रहा तो डेसिमल अभी कहाँ है फोर के पहले है ये इक्वेशन वन नहीं बना सकते इक्वेशन वन बनाने के लिए सुनो ध्यान से हमें इस डेसिमल को यहां पहुंचाना होगा यस और नो इसको पहले हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाई टेन ऑन बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करो इसको x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x और इधर डेसिमल शिफ्ट हो गया ये हो गया 4.7777 डैश 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 ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फिर से मेरी बात बहुत गौर से सुनो मान लिया 3. ऐसा नंबर है मेरे पास uh, 0.3482 और लास्ट के टू डिजिट पे बार लगा हुआ है तो इसको हम एक्स बना देंगे बहुत गौर से सुनो यहां पे रिपीट क्या कर रहा है एट टू रिपीट कर रहा है इसको लिखेंगे जीरो पॉइंट थ्री फोर एट टू एट टू एट टू इस तरीके से इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं बना सकते फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए डेसिमल जो है अभी थ्री फोर के पहले है ना तो रिपीट तो एट टू हो रहा है तो डेसिमल यहां पे चाहिए हमको फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो इसको हम करेंगे क्योंकि दो डिजिट जंप करनी है तो पहले इक्वेशन को इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये डेसिमल कहा पहुंच जाएगा 34 और 82 के बीच में ऐसे हो जाएगा इसको बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ठीक है yeah. Yeah, तो कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है उसका ध्यान रखना उसके पहले होना चाहिए डेसिमल ये बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन तो यहां पे हमने डेसिमल को पहले सेवन के पहले पहुंचा दिया टेन से मल्टीप्लाई करके अब किससे मल्टीप्लाई करना है वो सोचना पड़ेगा कितनी डिजिट जंप करनी है उतने टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे हमको एक ही डिजिट जंप करनी है इसलिए टेन से मल्टीप्लाई किया यहां पे हमको दो डिजिट जंप करनी है इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लिया तो यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन अब दूसरे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि डेसिमल रिपीटिंग डिजिट के बाद होना चाहिए मतलब अब हमें इस डेसिमल को सेवन के बाद यहां पहुंचाना है एक डिजिट और जंप करना है है कि नहीं तो इक्वेशन वन को फिर टेन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टेन फिर से तो इसको जब टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन एक्स तो ऑलरेडी है इसको जब टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हंड्रेड एक्स और आरएचएस पे डेसिमल एक डिजिट और राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो तो फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन 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 डैश डैश डैशन इक्वेशन नंबर टू और इस वाले केस में क्या करना पड़ता इस वाले केस में इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होता हंड्रेड वेरी गुड अन्य हंड्रेड से क्योंकि अभी हमको फिर से दो डिजिट जंप करा के क्योंकि एटी टू पे बार लगाए ना तो एक बार डेसिमल एटी टू के पहले और एक बार डेसिमल एटी टू के बाद तो इस वाले में इक्वेशन वन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो और लग जाएंगे और ये कितना हो जाएगा थ्री फोर एट टू पॉइंट एट टू एट टू एट टू इस तरीके से और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे चलो लिखते हैं जैसे ही दो इक्वेशन मिलेगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू ऑलवेज सो वी विल राइट इक्वेशन टू एज हंड्रेड एक्स इक्वल टू 47.7777 dash dash dash. This would be equation two. And the equation one as 10x equal to 4.77777 dash dash dash. This will be equation one. Now we need to subtract equation one from equation two. Therefore, we must have a minus sign. 100x minus 10x is how much? 90. Nine. 90x and what about the RHS? 43, 43. Very nice. 43 only because decimal के बाद के सारे digits are same. So x की value will be 43 upon 90. हम check करेंगे ये cancel तो नहीं हो रहा. 43 और 90 coprime integers हैं. समझते हो coprime integers क्या होते हैं? Yes sir. क्या होते हैं बताओ? जिनका कोई common factor नहीं होता. जिनका कोई कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं होता कॉमन फैक्टर होता है वन होता है ठीक है इंटीजर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर होता है ओके okay? तो ये आगे नहीं होगा आंसर हो जाएगा अच्छा यहां जो मैं क्वेश्चन लिख रहा था वो भी देख लो क्योंकि सीखना है हमको अगर यही क्वेश्चन आ गया होता तो कैसे करते एक्स तो मान लिया इसको हंड्रेड मान लिया इसको इतना मान लिया अब इसमें भी इक्वेशन टू को लिखते पहले इक्वल टू थ्री फोर एट टू पॉइंट एट टू एट टू एट टू और पहली इक्वेशन क्या है हंड्रेड एक्स इक्वल टू थर्टी फोर पॉइंट एट टू एट टू एट टू इन दोनों को भी सब करते तो टेन थाउजेंड माइनस हंड्रेड कितना आएगा बताओ नाइन नाइन डबल जीरो और इसमें से ये सब ट्रैक करके डेसिमल के बाद तो जीरो हो गया थ्री फोर एट टू माइनस थर्टी फोर ट्वेल्व में से फोर गया एट सेवन में से थ्री गया तो फोर और थ्री फोर तो ये हो गया थ्री फोर फोर एट एक्स की वैल्यू क्या होती थ्री फोर फोर एट अपॉन नाइन नाइन जीरो जीरो इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा मतलब टू से कट रहा है तो काट लेना फोर से फाइव से चेक कर लेना किससे कट रहे हैं तो ये मैंने साथ के साथ के एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिया बस चीजों को समझाने के लिए क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कौन सी इक्वेशन को फर्स्ट बनानी है कौन से को सेकेंड बनानी है ये ध्यान रखना जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके पहले और उसके बाद में उसके बाद दो इक्वेशन हम सब करते हैं चलो तो ये कॉपी कर लो इसका थर्ड पार्ट भी है वो मैं करवाऊंगा कॉपी कर लो पहले इसको देखो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट भी है तो थर्ड पार्ट में कर देता हूं और आप कुछ क्वेश्चन में होमवर्क भी दूंगा है कि नहीं सेम टाइप के क्वेश्चन ही तो है थर्ड क्वेश्चन देखो तो सबसे पहला फंडा जो भी नंबर दिया उसको हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फिर जीरो जीरो वन ये तो मालूम चल रहा है ना क्या रिपीट हो रहा है जीरो जीरो वन तीनों पे बार है तो जीरो जीरो वन बार बार आता रहेगा इस तरीके से और बताओ क्या इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं यस सर सर बिल्कुल बना हैं। सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं क्यों हाँ क्योंकि देखो बार किस पे रिपीटिंग डिजिट तीनों है जीरो जीरो वन उसके जस्ट पहले होना चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन है ये yes. बिल्कुल सही है फर्स्ट इक्वेशन हो गया अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मल्टीप्लाई बाई क्योंकि देखो हमें कितने हो गया थाउजेंड एक्स और आर पे क्या हो गया देखो ये डेसीमल यहां पहुंच गया तो वन पॉइंट जीरो जीरो वन वन पॉइंट जीरो जीरो वन फिर जीरो जीरो वन फिर जीरो जीरो वन डैश 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 इक्वेशन टू अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस हर चीज तो सेम है है कि नहीं? इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू तो इक्वेशन टू फिर से लिखते हैं थाउजेंड एक्स इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन डैश 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 और दूसरा इक्वेशन क्या था एक्स इक्वल टू दोनों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इक्वेशन का साइन चेंज करना चाहिए में में से से निकल निकल गया गया मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रिपल नाइन एक्स इक्वल टू आरएचएस पे देखो तो आर एच एस पे सिर्फ वन बचा यस और नो यस इसीलिए x की वैल्यू एक ही बार में मिल गई और वो क्या मिली वन अपॉन ट्रिपल नाइन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यही हमारा आंसर हो गया समझ आया कॉपी कर लो जल्दी से दो मिनट के अंदर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कर लिया अब इसके जैसे एक दो क्वेश्चन हैं वो मैं होमवर्क दे रहा हूं ठीक है करने तो आ जाएगा ना यस yes, सर क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्वेश्चन नंबर बस मैं समझा के आंसर होमवर्क देने वाला हूं ये होमवर्क है क्या है समझ लो एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म इसका आंसर निकाल के लाना फिर ये जो बाद का पार्ट है ना अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी छुट्टी नहीं हो रही है वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है देखो जीरो पॉइंट नाइन 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 क्या हम इस नंबर को जीरो पॉइंट नाइन पे बार लिख सकते हैं yes, मतलब क्वेश्चन हमें क्या मिला है एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन 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 अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बनानी है नई बनानी है वो तुम्हें सोचना है इक्वेशन टू कैसे बनानी है और एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है ठीक है तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है मैं सच में चाहता हूं ये क्वेश्चन तुम लोग सारे करो फिर उसके बाद जो लिखा है ना आर यू सरप्राइज बाय द आंसर वो मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास पे ठीक है तो ये करके आना अगली क्लास पे हम लोग ये तो इसके बारे में सीखेंगे कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क हो गया हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव एक एक्टिविटी है तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ऊपर वो मैं हटा रहा हूं पहले क्योंकि तो ना फिर मैं समझाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा तो ये देखो क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में बात करते हैं देखो फाइव एक एक्टिविटी है ठीक है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी

देखो पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो मैं बोलता हूं ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा इसका भी एक रूल है पता लगाने का कि कोई भी रैशनल नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म पे है तो कब वो टर्मिनेटिंग होता है और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ठीक है इसका रूल है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आज शायद नहीं अगली क्लास में बताऊंगा कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है बिना डिवाइड किए कैसे निकालते हैं ठीक है यह हम लोग सीखेंगे बट अभी नहीं अभी क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करना है देखो फाइव में एक रूल है इतना बड़ा डिवीजन ये क्यों करवा रहा है हमसे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो देखो कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म पे है बहुत ध्यान से सुनना कोई भी नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म पे है एंड डिनोमिनेटर जो है ना क्यू अगर वो सेवन से एंड करता हो ठीक है डिनोमिनेटर अगर सेवन से एंड करता हो जैसे यहां पे सेवनटीन है ना तो यूनिट प्लेस क्या है सेवन है तो डिनोमिनेटर का यूनिट प्लेस अगर सेवन हो ओके तो वो नंबर कितने डिजिट के बाद रिपीट करता है तो आंसर है डिनोमिनेटर माइनस वन मतलब ये सिक्सटीन डिजिट्स के बाद रिपीट होगा क्या मेरी बात क्लियर है यस सर यस सर ओके अब देखो मान लो वन बाई सेवन अगर सॉल्व करना है डिनोमिनेटर में सेवन है सर हाँ तो सिक्स प्लेस के बाद रिपीट करेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैंने करवाया भी था क्या आता है वन फोर टू एट फाइव सेवन और इस पर क्या होता है बार लगता है जीरो चेक करो कितने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजिट्स के बाद ही क्यों हो रहा है क्योंकि तो है है और वो seven से end कर रहा है. तो क्या क्या होना चाहिए denominator minus one, मतलब six digits. क्या मेरी बात क्लियर है चलो yes, मैं एक नंबर देता हूं तुम्हें बताना है कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा ओके ट्वेंटी अपॉन थर्टी सेवन बताओ थर्टी सेवन थर्टी थर्टी सिक्स वेरी गुड ये थर्टी सिक्स डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा एक और क्वेश्चन थर्टी फाइव अपॉन फोर्टीन सॉरी नॉट फोर्टीन रुको 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 थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी वन बताओ ट्वेंटी ट्वेंटी और बाकी बच्चे क्योंकि हम ना इसको माइनस करेंगे ट्वेंटी वन माइनस वन हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ पर तो ये सेवन से तो एंड हो ही नहीं रहा अच्छा और ये अंकित ने तो करा दिया ट्वेंटी से एंड ये सेवन से एंड हो रहा है क्या अंकित यस yes, सर ये सेवन से एंड हो रहा है क्या ट्वेंटी वन यस सर ट्वेंटी वन हो रहा है सेवन फर... से एंड हो रहा है यूनिट प्लेस पे क्या है इसके वन है Yes, sir. ये रूल ये रूल कौन से नंबर के लिए जिनका डिनोमिनेटर सेवन से एंड करता हो मतलब डिनोमिनेटर का यूनिट प्लेस सेवन हो yes, यहाँ पे ये रूल थोड़े ना लगाएंगे ट्वेंटी so, वन का यूनिट प्लेस क्या है सेवन है yes, तो इसमें रूल नहीं लगेगा ठीक है वो yes, तो रूल सिर्फ उन्हीं नंबर में लगेगा जिनका डिनोमिनेटर यूनिट प्लेस सेवन हो तो इसका हम नहीं बता सकते कितने प्लेस की बात करेगा हमें डिवाइड करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है एक और क्वेश्चन वन जीरो टू अपॉन सेवेंटीन बताओ कितने प्लेस के बाद तक मिनट रिपीट करेगा सर सर यस सबने बोल दिया yes, 16. है ना ये भी गलत है क्यों गलत है देखो तुम लोग ब्लाइंडली मेरे जाल में फंसते जा रहे हो सेवनटीन का टेबल याद करो सेवनटीन से यह सिक्स टाइम्स कट जाएगा तो रिपीट कहां कर रहा है टर्मिनेटिंग है ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है तो इंटीजर है डेसिमल है ही नहीं है इंटीजर है तो यहां पे चेक करना कैंसिल तो नहीं हो रहा अगर कैंसिल हो रहा होगा तो फिर ये जो होने वाला होगा वो नहीं होगा मतलब जो रूल बनने वाला है वो रूल तभी वैलिड है जब p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए क्या होने चाहिए oh, prime oh, prime आ, तो इसका ध्यान रखना। ब्लाइंडली कुछ भी मत बोलना ओके okay? सर so, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मतलब सब, सब काट देंगे जो हाँ जो काट देंगे बिल्कुल बिल्कुल काटने के बाद ऐसा नहीं कि रूल कहीं पे भी लगा देंगे अब तुम खुद देखो ना थर्टी फोर अपॉन सेवन अगर लिख दू तो क्या बोलोगे 16 प्लेस के बाद रिपीट करेगा या फिर सीधा लिखोगे लिखेंगे ना तो रूल रूल जो है उसका ध्यान रखना रूल किसके बोलोगेगा पी बाई क्यू ये कटना नहीं चाहिए को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए P एंड Q यहां पे देखो वन और सेवनटीन क्या है को प्राइम इंटीजर्स है तब ये सिक्सटीन डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा हाँ थर्टी फोर है यहाँ पे मान लो थर्टी वन अपॉन सेवनटीन होता तो क्या बोलते सिक्सटीन डिजिट बिल्कुल सही है यहाँ पे थर्टी वन और सेवनटीन को प्राइम इंटीजर्स है वो आगे कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो जहां पे कैंसिल होगा वहां पे रूल नहीं लगाएंगे ओके okay, चलो मैं डिक्टेट करूंगा अभी जो भी बोला है मैंने मैं अभी डिक्टेट करूंगा तो आंसर इसका लिखना है ठीक है फिफ्थ का आंसर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवाऊंगा पैराग्राफिक लिखवाऊंगा लिखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर अच्छा मैं भी लिखता हूं मैं भी लिखता हूं ठीक है ताकि किसी को सुनने में दिक्कत ना हो देखो मैं भी लिखता हूं क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर मेरे साथ साथ कॉपी करो ठीक है डिवाइड करके नहीं चेक करेंगे हम जो कॉन्सेप्ट है बस मैं वही बता रहा हूं वन बाई सेवेंटीन विल रिपीट आफ्टर सिक्सटीन डिजिट्स सिक्सटीन डिजिट्स इसके नीचे नोट करके लिखेंगे एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर दैट इज क्यू डिनोमिनेटर मतलब क्यू एंड डिजिट सेवन अगर ऐसा होता है इफ इफ लगा देना आगे इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर दैट इज क्यू एंड इन डिजेट सेवन देन इट विल बी रिपीटिंग आफ्टर डिनोमिनेटर माइनस वन इसको ब्रैकेट में डेजेट्स डिनोमिनेटर माइनस वन इतने डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा ओके तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर कॉपी कर लो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें ठीक है कॉपी करके बताओ मुझे फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलो मैं इसका डिवीजन तुम्हें दिखा देता हूं ये सिक्सटीन डिजिट के बाद रिपीट करता है कि नहीं देखो ये है इसका डिवीजन क्वेश्चन एनसीआरटी में है तो तुम लोग एक काम करो पेज का ना स्क्रीन ले लो अभी इतना लंबा डिविजन कॉपी करोगे काफी टाइम लग जाएगा देखो यहां पे कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है वो हम लोग काउंट कर लेते हैं देखो फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है ठीक है तो बस इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो लेके ले बताओ ठीक है ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बुक का है इसलिए हमको कॉपी पे लिखना पड़ेगा तो घर पे इसको कॉपी कर लेना ठीक है अभी हम लोग चल रहे हैं आगे ये देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स ये वही क्वेश्चन है जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा इसका भी आंसर मैं लिखवाऊंगा देखो अभी सिर्फ समझो

एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन तो पी बाई क्यू का इसने श्योर sure कर दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसने श्योर sure कर दिया है अब हमसे पूछ रहा है कैन यू गेस वॉट प्रोपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई क्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि यह टर्मिनेटिंग बना देगा और क्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बना देगा क्यू और पी कभी भी अगर इस फॉर्म पे लिखे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकते हैं कोई बताओ क्यों माय क्वेश्चन इज इफ वी हैव टू नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स ओके So, is there any possibility that these P and Q will make it a decimal expansion of non terminating, non repeating? Am I clear? If this number hmm. is represented in the form of P by Q, then of course it will only form a terminating, or else it will form terminating or um, non terminating but repeating. Can hmm. they form non terminating, non repeating? When, in, when there is an irrational number. Yes, they can't form any decimal number in the form non terminating, non repeating. Because if any number is written in the form P by Q, it is a rational number. And rational number never ends in non terminating, non repeating fashion. Okay? Yes, sir. Good. तो देखो कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू क्यू के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये एक थ्योरी पार्ट है मैं समझा रहा हूं पहले लिखता हूं अभी कोई कॉपी नहीं करेगा ठीक है मैं कॉपी करने का पूरा टाइम दे दूंगा देखो इफ एनी नंबर एनी रैशनल नंबर इनफैक्ट एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाय क्यू इन पी वाई क्यू फॉर्म नॉट इफ यहां पर ए कैपिटल कर देंगे एनी राशनल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू विल बी टर्मिनेटिंग एक रूल है कोई भी राशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा एफ द प्राइम फैक्टराइजेशन सब समझा रहा हूं मैं ठीक है पहले लिख ले रहे दो Prime factorization of Denominator Q will have first part only two, second part only five, and third part two and five. Only. तो कहने का मतलब कोई भी रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म पे लिखा है अगर तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो जाएगा कब जब डिनोनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल हो या फिर केवल फाइव हो या फिर टू एंड फाइव का कोई भी कॉम्बिनेशन हो अब इसको समझते हैं अच्छा इसको कंप्लीट कर ले एल्स अगर ऐसा नहीं होता है देख the, इट विल बी इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपैंशन चलो समझते हैं इस चीज को देखो मैंने कोई भी राशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म पर लिख दिया अगर तो वो जो पीवाई क्यू लिखा है मैंने रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग कब होगा जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल टू 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 आए जैसे एग्जाम्पल देखो यहां देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं जैसे मान लो थर्टी थ्री अपॉन एट कोई मेरे से पूछ रहा है पीवाई क्यू देके बिना डिवाइड किए बताना है ठीक है बिना डिवाइड किए हम बताएंगे कि ये थर्टी थ्री अपॉन एट जो नंबर है अगर इसको हम डिवाइड करने जाएंगे तो क्या एक्सपेंशन मिलेगा टर्मिनेटिंग मिलेगा और सर ये टर्मिनेटिंग है हाँ तो वही वही रूल मैं लगा के बता रहा हूँ तो देखो क्या करना है तुमको 33 और डिनोमिनेटर को क्या करोगे टू इंटू टू इंटू टू लिख दोगे है ना तो देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया ओनली टू मिल गया तो रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सीधा लिखेंगे क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग होगा ये इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लो ट्वेंटी नाइन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव हो हमको बताना है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या करेंगे 125 को प्राइम तो ये मिलेगा 5 into 5 into 5. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव से डिवाइड हो रहा है थ्री से नहीं हो रहा तो फाइव से किया ट्वेंटी फाइव और फिर फाइव से किया तो क्या बच गया फाइव तो 125 को हम 5 इंटू फाइव इंटू फाइव लिख रहे हैं अब देखो ओनली फाइव मिल गया मतलब रूल नंबर टू लग गया यहाँ पे ये वाला ओनली फाइव दिख रहा है तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा एक और थर्ड रूल मान लिया थर्टी सेवन अपॉन टू फिफ्टी है इतना बड़ा नंबर है इतना बड़ा नंबर है आपको डिवाइड तो करने जाएगा नहीं इसको बताने के लिए तो क्या करोगे थर्टी सेवन को वैसे ही छोड़ दोगे डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करोगे चलो यहां चेक करो तो टू फिफ्टी है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले टू से डिविजिबल है तो फिर वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी फाइव में क्या है 5 into 5 into 5. तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग इसको लिख लेंगे 2 into 5 into 5 into 5. अब चेक करो ओनली एंड मिल रहा है ना थर्ड रूल लग गया टू एंड फाइव ओनली टू एंड फाइव के अलावा कुछ भी नहीं है तो इसका भी आंसर क्या लिख देंगे टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए हमने बता दिया कि ये है है। है। या repeating है? एक और example देखो, मान लो अब इसका बताना है तो क्या करोगे फोर थर्टी सेवन एज एज इट इज लिख दिया और सेवन फिफ्टी को प्राइम फैक्टराइज किया तो इसमें मिलेगा थ्री इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक सेवन फिफ्टी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा थ्री इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव अब देखो यहां पे फाइव और टू तो ठीक है ये सारे ठीक कोई दिक्कत नहीं है इनसे ये मिल गया 3. 3 जैसे ही मिला तो हम क्या लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि वो रैशनल नंबर का एक्सपेंशन वैसा नहीं होता है रैशनल नंबर की दो ही कैटेगरी होती है या तो टर्मिनेट करेगा और अगर टर्मिनेट नहीं किया तो क्या करेगा रिपीट करेगा तो ये वाला जो नंबर है वो किसी ना किसी डिजिट के बाद जाके क्या होगा रिपीट होगा ये सब कुछ क्लियर बताओ यस सर यस भी डाउट कहीं पे भी नहीं है चलो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये पूरा आंसर जितना भी बोर्ड पे है सब लिख लो सब कुछ लिख लो एग्जाम्पल के साथ और कॉपी करके बताओ फिर हम देखते हैं कितना टाइम बचा आगे करना है कि नहीं करके बताओ जल्दी से तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाने से पहले मैं सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछूंगा ओके देखता हूं किसके पास कितना माइंड है और कौन कितना समझा है इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करना है ठीक चलो तुम्हें बताना है मैं कुछ नंबर लिखता हूं एक ही नंबर लिखूंगा थर्टी थ्री अपॉन ट्वेंटी फोर बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हरिया तो तीनों का आंसर गलत है सबने क्या लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग देखो क्या गलत है टाइम फैक्टराइज किया थर्टी थ्री एज इट इज ट्वेंटी फोर को तुमने लिखा होगा क्या लिखा होगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री अब ये थ्री एक्स्ट्रा दिख गया क्योंकि रूल में तो हमने क्या पढ़ा है टू और फाइव है ना तो यहां पे थ्री एक्स्ट्रा दिख रहा है इस वजह से क्या लिख दिया तुमने Non-terminating बट रिपीटिंग अब देखो गलत क्यों हो गया पता नहीं क्यों तुम लोग को यहां थ्री दिख रहा है मुझे तो थ्री दिख ही नहीं रहा है मुझे ये नंबर ऐसे दिख रहा है 11 upon 2 into 2 into 2, मुझे ऐसे दिख रहा है और मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग आंसर गलत हो गया समझ आया क्यों गलत हुआ यस सर यस तो गलती क्यों हुई है थर्टी थ्री और ट्वेंटी फोर को प्राइम इंटीजर्स हैं क्या जो नंबर कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल करेंगे ना थ्री से इलेवन अपॉन एट अब इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से तुम लोगों ने ये बात का ध्यान नहीं रखा चलो यहां पे ध्यान नहीं रखा फैक्टराइज करने के बाद तो दिखना चाहिए ना थ्री से थर्टी कैंसिल हो रहा है किसी को नहीं दिखा पता एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं होते सिंपल हैं बट थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं और तुम लोग क्या होते हो जाल में फंस जाते हो समझ आया सबको yes, तो इसका ध्यान yes, रखना इसका ध्यान रखना मैं पूरे साल ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा ताकि माइंड थोड़ा सा खुले तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने कर लिया अब हम चलते हैं आगे हम्म देखते हैं आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कर लेंगे ओके okay, चलो ये एक नया टॉपिक है इसमें क्या करना है हमको नंबर्स लिखने का तरीका सीखना है तो आज हम यहीं पे रखते हैं क्या करो कॉपी पे लिख लो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सिक्स तक हमने कर लिया है अगली क्लास पे जब मैं पूछूंगा तो मुझे बता देना ठीक है एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर सिक्स तक हम आज रखते हैं अगली क्लास पे हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेवन ऑनवर्ड्स आगे चलेंगे अच्छा अगली क्लास पे हमको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो ज्योमेट्री बॉक्स अपनी अपनी रखना साथ में उसमें पेंसिल कंपस हर चीज होनी चाहिए तो अगली क्लास ज्योमेट्री बॉक्स के साथ होगी ओके ओके सर चलो बाय, टेक केयर बाय